लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ मैं फिर से आपके साथ हूं। तो चलिए देखते हैं आज का लेटेस्ट टेक अपडेट क्या क्या है। बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसे स्मार्टफोन को लेके जो बहुत ही पावरफुल हैं और अपकमिंग स्मार्टफोन है, फिर दोस्तों इसरो को लेके और 5G पे पूरा जो कंट्रोवर्सी छिड़ा है इसको लेके बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आई एम सारिक सम्मी, यू आर वॉचिंग एसके सम्मी यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है स्वामी की तरफ से। स्वामी का दोस्तों एक नया स्मार्टफोन, एक नया सीरीज आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो स्वामी का दोस्तों 2018 से लेके 19 तक के जो मार्केट शेयर था इंडिया में ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा था। उसके बाद दोस्तों अलग अलग कंपनी आया और फिर सैमसंग का भी थोड़ा मार्केट जो है स्ट्रांग हुआ, क्योंकि सैमसंग जो है वो भी अपने स्मार्टफोन का जो प्राइस है उसको रिड्यूस किया। लेकिन दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वामी को लेके, स्वामी का एक नया सीरीज जो है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। स्वामी सीसी सीरीज, सीसी इसका सीरीज होगा और इसमें अलग अलग आपको वेरिएंट देखने को मिलेंगे। ये एक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट समझिए एक बिहाइंड जो एक लीक न्यूज होता है वो है। और बिल्कुल भी स्वामी इस पे काम कर रहा है। स्वामी का नया सीरीज और उसका स्मार्टफोन जो होगा सीसी 11 प्रो, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसका नाम होगा। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसका प्रोसेसर 778 टू 780 तक आपको इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाएगा। और सबसे बड़ा इसमें आपको कैमरा मिलने वाला है। एक्सपेक्ट ये की जा रही है कि ऑलमोस्ट 200 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल सकता है स्वामी के सीसी सीरीज स्मार्टफोन में। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो अपडेट है वो भी स्मार्टफोन को लेकर है। वैसे तो दोस्तों गूगल का A to Z कंपनी है, अल्फाबेट जो कंपनी है उसमें बहुत सारे कंपनी आते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। और गूगल जो है खुद का स्मार्टफोन भी लॉन्च करता है, आपको मालूम होगा पिक्सल सीरीज का गूगल का स्मार्टफोन आता है। तो गूगल यहाँ पे एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहा है, सीरीज उसका पिक्सल्स है। गूगल पिक्सल 5 सीरीज लॉन्च हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट जो सीरीज है वो है गूगल पिक्सल 6 एंड गूगल पिक्सल 6 प्रो। ये फोन एक्सपेक्टेड अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएगा, लेकिन इसके फीचर्स दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है। पिक्सल 6 में 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले और पिक्सल 6 प्रो में आपको 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 8GB एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पिक्सल 6 आएगा, तो वहीं पर आपको 12GB रैम एंड 512 इंटरनल स्टोरेज के साथ पिक्सल 6 प्रो स्मार्टफोन आएगा। और ये दोनों के प्राइस 55,000 टू 65,000 अप्रोक्स होगा। नेक्स्ट अपडेट, ऑनलाइन ट्रैवल फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों ओला। तो ओला दोस्तों यहाँ पे हाई कैपेसिटी बैटरी के साथ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर रहा है और ये हाइपर चार्जर के साथ आपको आएगा। बहुत ही फास्ट इसका बैटरी जो है वो चार्ज होगा और इसको ओला जो है इनिशियली 400 सिटीज में लॉन्च करेगा विथ ओला नेटवर्क के साथ। तो ये ओला के तरफ से एक नया प्रोजेक्ट है और इसका पूरा जो प्लानिंग है, पूरा इसका प्लांटेशन है वो भी किया जा रहा है। इनिशियली इसको 400 सिटीज में लाया जाएगा विथ ओला नेटवर्क। आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं तो रिसेंटली आपने एक न्यूज देखा होगा, बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने 5G नेटवर्क के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन को डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने जूही चावला पे ये क्लेम भी किया कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस तरह के पिटीशन को डाला गया है, यहाँ पर कोई भी लॉजिकल इसमें पॉइंट को मेंशन जो है नहीं किया गया है। तो फिर से इस केस का हियरिंग है 29 जुलाई को, जूही चावला को इसका दलील जो है स्ट्रॉन्ग प्रूफ जो है वहां पे पेश करना है, और नहीं तो ये केस जो है पूरा का पूरा डिसमिस हो जाएगा। और एक चीज को यहाँ पे नोट कीजिएगा कि 5G जो है इंडिया में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसका टेस्टिंग का परमिशन मिला है। दोस्तों इलोन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट काफी चर्चा में है और इसका मकसद है दोस्तों सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट को पहुंचाना। अभी तक जो भी हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं ये सारा इंटरनेट चलता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। ये दोनों प्लेटफॉर्म को मिलाकर हम तक इंटरनेट जो है पहुंचता है। लेकिन इलोन मस्क का नया प्रोजेक्ट स्टार लिंक के, जिसे आपको फर्स्ट बार सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट पहुंचेगा। और इलोन मस्क बिटकॉइंस को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो इस दोनों के कनेक्शन से एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। बिटकॉइंस और स्टारलिंक के बीच एक बड़ा स्कैम हुआ है। और बिटकॉइंस क्या है आपको मालूम होगा, बिटकॉइंस जो है एक क्रिप्टो करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है
जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंड्स कर रहा है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लेकर इलोन मस्क ने एक वेबसाइट को बनाया था, पब्लिक वेबसाइट को बनाया था, जिसका मकसद था कि लोग जो हैं डायरेक्ट पैसा लगा सकते हैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट पे। कुछ चीटर्स या बोल सकते हैं हैकर्स ने सेम वैसा ही एक वेबसाइट बनाया और उस वेबसाइट से $249 बिटकॉइंस का स्कैम कर लिया। तो एक चीज़ है यहाँ पे कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो पूरा डिटेल्स उसका चेक कीजिए। अगर नया वेबसाइट है तो बिल्कुल भी उस पे पेमेंट से रिलेटेड कोई भी काम आप नहीं कीजिए। हो सकता है बहुत सारा ऐसा वेबसाइट चलता है जिसपे सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद होता है कि पैसा को लूटना, आई मीन पेमेंट को लेकर या फिर पैसा को लेकर फ्रॉड करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।